अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज ही काफ़ी देर हो गया मुझे, तकरीबन अभी असर का टाइम हो गया। मैं ऊपर आया हूँ अभी, तो ज़रा हॉस्पिटल गया हुआ था मैं, कोई 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैं गया था, टेस्ट वगैरह कराए हैं। तो दुआ करनी आप सब लोगों ने कि टेस्ट क्लियर हो जाए, रिपोर्ट अच्छी आ जाए। तो ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा तब तक मैं आपके लिए। तो चलें आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं। अभी जी मैं ऊपर आया हूँ तो चूज़े काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, 5 चूज़े घूम रहे हैं और एक चूज़ा ये है और ये एक चूज़ा मरा हुआ है। इसे उठाते हैं अभी, पहले इन सबको दाना डालते हैं, इनको खोलते हैं छोटू गैंग को। ये मुर्गी जो है ना मारती है इन्हें, इन्हें भी बाहर निकालते हैं। असल में मुर्गियों में आया हुआ इन्फेक्शन, चूज़ों में, चूज़ों की जो है ना आँखों का काफ़ी मसला आ रहा है, आँखें ही नहीं खुलती चूज़ों की, समझ भी नहीं आ रही क्या वायरस है इनमें। और भी मेरे दोस्त वगैरह हैं उनके भी ऐसी कुछ चिक्स एक्सपायर हो गए हैं। 11 बच्चे थे जिनमें से अभी 6 बच्चे हैं मेरे पास, बाकी सब अचानक ऐसे ही मर गए आस्ता आस्ता। तो चलें इन सब को खोलते हैं, आज सारे परिंदों को साथ खोल दूंगा मैं, मसला नहीं है। ये बस मारता है मुर्गों को थोड़ा सा, छोटे वालों को, तो केयर करेंगे। मैं भी इनके पास ही हूँ जब तक ये खुले हुए हैं, और जब तक अजान नहीं होती तो इनके पास ही हूँ मैं, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा। तो इन्हें बंद कर दूँगा छोटों को, अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर वाले परिंदों को भी खोल लेते हैं, वो भी 2 दिन से नहीं खुले तो वो भी थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। ये आ गए जी ऊपर वाले परिंदे। छत की हालत काफ़ी ख़राब हुई है क्योंकि हसन भाई की छत पे थोड़ा सा काम था, तो सामान वगैरह इधर पड़ा हुआ है, जो बोरियों में हमने मिट्टी वगैरह डाल के रखी थी वो भी इधर पड़ी हुई है। 2 दिन बाद आज ये खुली हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगी तो खुश हो जाएंगी। मुर्गा फिर इनका रह गया, इनके लिए मुर्गा लेके आना मुझे याद ही नहीं रहती, तो वो भी लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी अभी परिंदे तो सारे खुल चुके हैं और ये अंदर लड़ाई हो गई है, छोटू गैंग है ये, पता नहीं क्या कर रहे हैं आपस में, इतना लड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जब से मैं लाया हूँ तब से लड़ रहे हैं, इतना लड़ते हैं, इन्हें छुड़ा छुड़ा के मैं थक गया हूँ, लेकिन ये जब खुलते हैं ना फिर लड़ने लग जाते हैं। और इनका पिंजरा मैं ऊपर ले आया हूँ आज, नहीं कल लेके आया था मैं ऊपर, तो बाकी भी सारे आप जो है ना कमरा भरा भरा लग रहा है आपको, मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखें जी अब कमरा सही भरा, ओ ओ ओ नीचे लड़ाई हो रही है, वो मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस है इस पर, और वो काफ़ी इसे फॉलो भी करते हैं, कोई ऐसा कंटेंट है तो उसे फौरन वो चैनल भी आपका सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये देखें ये इतना खुश नहीं लग रहे इनके वापस ऊपर आने से, क्योंकि इधर सारा अंधेरा हो गया, पहले तो रोशनी होती थी। और मैंगोज देखें हमारे, माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं अब, तकरीबन 4 महीने के हो गए ये। और इसके जो है बच्चे चेक कर लेते हैं इनकी क्या रिपोर्ट है, ये देखें माशाल्लाह दोनों ठीक हैं, एक रेड आइज़ है एक ब्लैक आइज़ है। और ये माँ है इनकी, और वो पीछे बाप बैठा हुआ है, बाप जो है वो ब्लैक आइज़ है, माँ जो है इनकी वो रेड आइज़ है। और इधर हैं जी कोको के अंडे, कोको खुद तो बाहर बैठी हुई है, कोको का मेल भी बाहर बैठा हुआ है, और अंडे इनके पड़े हुए हैं। तो इनका तो मुझे नहीं लगता ये निकालेंगे बच्चे, क्योंकि ये टेम है, इस वजह से जब भी मैं ऊपर आता हूँ ये मेरी आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है, तो इसका मुश्किल ही लग रहा है। ये अभी तक लड़ रहे हैं, अभी वो वाला जो है वो थोड़ा सा थका है तो बाहर गया, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा। इसकी दुम देखें, इतनी प्यारी इसकी दुम आ रही थी नहीं, और इसने अपनी सारी दुम तोड़ लिया, फिक्र ही नहीं है इसे कोई भी, बस इसे लड़ाई की पड़ी रहती है, छोटा सारा है और हर वक्त लड़ता रहता है। और इसे देखें, इसका काफ़ी दिन से आपको शौक नहीं करवाया, हमारा जो राजा है काफ़ी दिन से ही ऐसे ही जो है ना, कभी कज़न की तरफ था कभी मेरी तरफ आ जाता था,
तो इसका शौक नहीं करवा सका मैं। और अभी इसके साथ ये मसला है, इसके पार मुर्गी खाती है और काफ़ी सारे पार उसने खाए हुए आप देखें। तो अभी यहाँ पे बनवाने हैं केजीज इनके लिए, वो केजीज बनेंगे फिर इसे जो है मुर्गी से अलहदा कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये है कि अपने पार सारे साफ कर लेगा। ये बच्चा देखें बज्जीज का, ये उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, ये माशाल्लाह मुझे इतना पसंद है, इसे आज ज़रा बाहर लेके चलते हैं। पहले ये देखें, अच्छा मुझे नहीं पता था ये इतना उड़ लेता है, अगर मुझे पता होता इसे मैं निकालता ना, क्योंकि अभी तो ये खिड़की पे बैठा है और ये बाहर भी जा सकता था। तो अभी इसे पकड़ते हैं और बंद करते हैं, क्योंकि आपको पता मुझे जो परिंदा पसंद होता है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे चला ही जाता है, तो अगर ये बाहर चला गया तो इसे कहाँ ढूंढते रहेंगे हम। इन मुर्गियों की यहाँ से मैंने जगह ख़त्म कर दिया जहाँ पे अंडा देती थी, तो कल इसने यहाँ पे अंडा दे दिया, कोई ना कोई इन्हें जगह मिल जाती है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अंडे आ रहे हैं इनके, ये वाली मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। और इसे मैंने काफ़ी कोशिश की थी अंडों पर बिठाने की, लेकिन ये कहती है नहीं मेरी तरफ से छुट्टी है। तो आप देखेंगे इन दोनों में से कौन सी मुर्गी पहले झकड़ुक होगी, ये तो इसे तो काफ़ी टाइम हो गया, ये तो नहीं होती, यही दोबारा होगी तकरीबन 7-8 अंडे देने के बाद, तो इसे फिर बिठाएंगे। इनको जी मैंने अंदर ही दाना डाल दिया है और चूज़े देखें आप, अब इनमें से मुझे ये भी नहीं पता छोटू गैंग के कौन से हैं और बाकी कौन से, 6 चूज़े रह गए हैं बस, और बाकी परिंदे सब इधर खुश हैं, ऊपर वाले भी खुश हैं और हमारे जो हैं मैंगोज़ ये भी खुश हैं। ये इधर थोड़ा सा दाना खा लेंगे, ये देखें अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इन्हें काफ़ी जो है ना डरा के रखता है और इसकी वजह से फिर वो खाना नहीं खाते, तो जब तक अभी ये इनका दाना ख़त्म नहीं होता मैं इसे यहाँ पे रखूँगा, बल्कि अभी इन्होंने खा ही लिया तो इन्हें बंद करते हैं, फिर भी लिया इन्होंने और दाना वगैरह भी खा लिया, बस बंद करके इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, कल तक के लिए इनके लिए काफ़ी है इतना। ये इधर बैठ के देखें, चलें अभी इन्हें यहीं पे रहने देते हैं, शाम को मैं आऊँगा तो बंद कर दूँगा, अभी कल भी मैंने इन्हें ना इस पिंजरे के ऊपर से पकड़ के बंद किया है, तो यहाँ पर खुश रहते हैं, तो चलें जितनी देर अभी अंधेरा नहीं होता यहाँ पर बैठे रहेंगे, बाद में आके मैं इन्हें बंद कर दूँगा। अभी जी दाना पानी तो सबका हो गया और सबको अपनी अपनी जगह पे कर दिया मैंने, बस अभी छोटू गैंग को बंद करना है, वो भी थोड़ी देर में मैं कर दूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।